देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील से, जहां विकास खंड भनवापुर के ग्राम पंचायत साहेपारा के ग्रामीणों ने कहा कि अगर गड़ावर से साहेपारा व बुढ़ाओ से साहेपारा पीडब्ल्यूडी रोड नहीं बनाया गया तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। आपको बताते चलें कि ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 10 सालों से यह रोड पूरी तरह से बेकार पड़ा है, लेकिन ना पीडब्ल्यूडी, न तो नेता और न तो सांसद के संज्ञान में होते हुए भी इतनी बड़ी लापरवाही क्यों। ग्रामीणों ने पोस्टर को लेकर सड़क पर वोट बहिष्कार का नारा लगाते हुए कहा कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। वहीं स्कूली बच्चों ने भी पीडब्ल्यूडी रोड को लेकर काफ़ी गुस्से में दिखाई दी। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों से जब हमने बात की तो बताया गया कि 10 सालों से हम लोग इसी तरीके से परेशान हैं, स्कूल जाते समय रोड खराब होने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर अतीकुर रहमान, हसन फारूक, कमलेश इब्रार, मंजूर अली, मुबारक अली, इब्राहिम खान, सरीश चंद्र, विदेशी, भगवान दास, पप्पू गुप्ता, राजेश कुमार आज ग्रामीण भारी संख्या में उपस्थित रहे। इस संबंध में दूरभाष पर जेई इम्तियाज से जब बात हुई तो गड़ावर से साहेपारा सड़क के लिए निर्माण से संबंधित मटेरियल गड़ावर राजर पांडे के घर गिराया गया है ऐसा पता चला, और मजदूर उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लोगों ने यह भी कहा कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रिजवान खान की ये खास रिपोर्ट। लोगों को आने जाने की बहुत बड़ी दिक्कत है, रोड की समस्या बहुत खराब हो चुका है। किस गांव से हैं आप? साहेपारा। किस विधानसभा में हैं? डुमरियागंज। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी किसी से की? कई बार किया गया है, बहुत बार किया गया। सीडीओ को भी लेटर है, सीडीओ भी आके गए बोले बनेगा, संसद भी आए वो भी बोले बनेगा, विधायक भी आए, विधायक की रोड खराब बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, आज तक बना ही नहीं। कितने दिनों से ये रोड खराब है? 10 साल से खराब है। 20 साल हो गया। चाहते क्या है आप? ये एक जने बोले आपको रोड चाहिए, तो अगर रोड आप लोग को रोड नहीं मिला तो आप वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये गड़ावर पुल्हा से साहेपारा समझ ली जाए, साहेपारा से बढ़ूं, दोनों तरफ का रोड एकदम खत्म हो चुका है। इतना